इसको हम बटन दिखाएंगे इंसर्ट वाला। ठीक है। इसमें किंग सर्च करते कि दो हो गए कि ना। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अगर मैं ये सारे कहूँ ना कि ये सारे एक दफा इंसर्ट हो जाए। अब देखो ज्यादा हो गए, ठीक है। किंग देखते हैं तीन हो गए कि नहीं, चार हाँ हो गए। डबल हाँ डबल क्लिक कर दिया शायद, ठीक है। उसमें फिर अपने PLSQL कोड के अंदर जो भी कंडीशन हो वो लगा रहे, ठीक है। ऐसे ही है। हाँ, एक और अभी अपडेट का करते हैं। सॉरी, इसका हमने अपडेट, ठीक है। तो इसके लिए PD, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक नहीं है। अपडेट एमपी सेट इनेम, यहाँ पे हम एक बट पेज आइटम ले लेते हैं, ठीक है। और उसी से अपडेट करते हैं। सेट ई नेम इक्वल टू दिस वियर ईएमपी नंबर इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी जो हम अपडेट करेंगे वो ऊपर, यानी उसके अलग से हम कॉलम बनाएंगे ऊपर, जैसे आपने ये ऊपर अलग से बनाए बनाया ई नेम का। आपने जो भी, अगर ये तो सिंपल ये जो होता है ना इसी के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस इसी टेबल को अपडेट करें। हमने यहाँ किए हुए है ना, ये देखें ये वाला, ये प्रमोट और अपडेट के लिए ये किया हुआ है ना, मतलब क्लास प्रमोट करना हो, ठीक है, इस तरह। या किसी का फी असाइन करना हो ना, तो वो हम अच्छा सारे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और दूसरा एक टेबल से उससे डेटा पिच करके फीस वाले टेबल में इंसर्ट करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट इन्फो का अलग टेबल है, स्टूडेंट सही है, आईडी, ठीक ठीक है। है। हम सारे स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं कि जिस स्टूडेंट का जो जो बैच है, ठीक है, उसी बैच के लिए जो फीस स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर से डेटा गेट करके फीस वाले, हर स्टूडेंट के फीस वाले टेबल में डेटा इंसर्ट करें। तो यहाँ पे हम फीस हॉस्टल वाले क्या करते हैं, यहाँ पे विदाउट हॉस्टल वाला करते हैं। सही है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इसी से दूसरे टेबल को किस तरह अपडेट करेंगे, कंसर्न इसी टेबल को किस तरह अपडेट करेंगे ना, तो हाँ, सिर्फ सही है। यही काम आपने करना है। अच्छा, यानी इसका बेसिकली पर्पस ये है कि अगर इसी को अपडेट, इसी टेबल को अपडेट करना है या किसी और टेबल की फील्ड्स को अपडेट करना है, तो वो सिलेक्ट करके तो वो उसको हम अपडेट कर देंगे। इसी तरह डिलीट का है। और इसको बटन दिखाएं।
डिलीट वाला, मेरे ख्याल में इसको हमने बटन नहीं दिखाया था, तो हाँ इस वजह से इतने दो दिखाए थे। ठीक है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक ठीक है, है, ब्लैक को भी डिलीट करना। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, डिलीट। सबको डिलीट करो, सही है। सबको। मेरे लिए मसला हो जाएगा क्योंकि कल मैंने इसी टेबल पे करना है। खाली किंग का डेटा निकाल के खाली डिलीट कर देना, उसमें से तीन चार जितने आ रहे होंगे वो निकाल लें, यानी किंग के अगर ये तीन है ना, इसमें से दो निकाल के कर दे। ये सारे डिलीट करता हूँ। ये इसका चाइल्ड रिकॉर्ड है एक। सही है हाँ ना। ठीक है, और आपका एक था कि किसी को इंसर्ट अपडेट डिलीट अलाउ करना है ना, तो वो आप इस तरह करें, ये जितने पेजेस आपके बनते हैं ना उस मतलब यहाँ पे आपने ये फॉर्म बनाया था है ना, हाँ या जी, हर हर पेज में मतलब यानी जो फॉर्म है उसमें आपके पास जरूर तीन ऑप्शन होते हैं, इंसर्ट का, अपडेट का और डिलीट का। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है। और उनके लिए तीन बटन होते हैं, या एडिट का ऑप्शन होते अपडेट के ऐसे लिए। ही। ठीक है, या जो तीन बटन होते हैं ना, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसके लिए हम एक ऑथराइजेशन क्रिएट करेंगे, ठीक मतलब है, ठीक ऑथराइजेशन क्रिएट करेंगे। है, और आपका जो ऑथराइजेशन वाला यूजर टेबल है ना, उसमें इंसर्ट के लिए आपने अलग कॉलम लिया होगा, यस नो का, अपडेट का अलग, यस नो का, डिलीट का अलग, यस नो का। ऐसे उसके ही है। लिए हम तीन ऑथराइजेशन क्रिएट करेंगे कि ये जो पेज है, इस पेज पे जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का बटन है ना, इसी के लिए जिसको यस है तो उनको शो हो जाए, अदरवाइज शो ना हो, हाँ ऐसे और ही इसी है। तरह अपडेट के लिए, इस तरह डिलीट के लिए। हाँ वो तो बाकी आप भी कर लोगे। हाँ वो तो कर लूंगा, लेकिन ये ऑथराइजेशन ये वाला जो काम है, ये डिसेबल वाला, ये अभी आप करके देंगे, कौन सा डिसेबल वाला? ये इंसर्ट अपडेट डिलीट की जो ऑथराइजेशन है इनका, यानी एबल डिसेबल ऑन द बेस ऑफ द यूजर्स, यानी कि जो अभी आपने बताया मुझे। तो आपने वो बनाया इसके लिए फॉर्म, टेबल वगैरह कुछ? टेबल तो मेरे पास पहले ही पड़े हुए हैं ना, डेटाबेस में टेबल बने हुए हैं मेरे पास। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे